कतर में इंडिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। अगस्त 2022 को 8 हाईली डेकोरेटेड एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को ऐसे क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी दी गई जो असल में कभी हुई ही नहीं। कंप्लीटली मनगढ़ंत है द मिजेट सबमरीन डील। दरअसल अंदर की बात यह है कि हाई चांसेस है कि कतारी गवर्नमेंट अपनी जान बचाने के लिए हमारे जवानों को बलि पर चढ़ा रही। दरअसल बात कुछ ऐसी है, साल 2019 में कतर की गवर्नमेंट ने एक डील साइन की थी इटली की एक प्राइवेट कंपनी के साथ, जिसी मुद्दे में कतर ने हमारे जवानों को डेथ पेनल्टी सुनाई है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यहां पर यह है कि आज इटली ने साफ इनकार कर दिया कि कतर और उनके बीच ऐसी कोई डील साइन भी हुई हो। सो आखिर हमारे देश के जवान ये दूसरे दो देशों के बीच में बलि के बकरे कैसे बन गए? वेल एक्चुअली मैं ना जब हमने इस पर और डिटेल में खोदना शुरू किया तब हमें ये मालूम पड़ा कि हाई चांसेस है कि पूरा का पूरा मामला एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें कतर के डेप्यूटी पीएम से लेकर इटालियन कंपनी और बहुत ही बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल लोग शामिल है। और इसीलिए ही ये सब अपना नाम और इज्जत छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप शायद ये बिलीव भी नहीं करोगे कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन दो फ्रंट्स पर काफी फिशी नजर आ रही है, क्योंकि पहला तो इंडिया के इतने बड़े बड़े नेवल ऑफिसर्स के अरेस्ट होने के दो महीनों तक इंडियन गवर्नमेंट को कोई खबर तक नहीं पड़ती है, और दूसरा यह कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इनके अरेस्ट होने के चार्जेस को भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आखिर क्या है इस डेथ पेनल्टी के पीछे का असली सच? क्या वो इंडियन ऑफिसर्स गवर्नमेंट और एमएनसी के बीच चल रहे कॉन्स्पिरेसी के विक्टिम्स है, या फिर यही इंडियन ऑफिसर्स इस गेम के असली खिलाड़ी है? वेल अभी तक नेशनल इंटरनेशनल जितने भी स्टोरीज मैंने आपके सामने रखे हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग स्टोरी है कतर में फंसे 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट से लेकर मीडिया लेवल पर इतने अलग अलग क्लेम्स और एलिगेशंस इन पर लगाए जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि सच क्या है और अफवाहें क्या है। लेकिन फिर भी मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आपके सामने इसकी पूरी कहानी रखने की कोशिश की है, और इसीलिए मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना ताकि आप भी किसी नैरेटिव का शिकार ना बन जाओ। आगे इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2022 में। पिछले साल 30 अगस्त की रात कतर में रह रहे इंडियन नेवी के इन 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर की स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया। Yes, you heard that right. पिछले साल ये ऑफिसर्स कतर की एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट कंपनी धरा ग्लोबल के एम्प्लॉयज थे। सो बेसिकली कंपनी कतर बेस्ड है लेकिन इसके सीईओ ओमान बेस्ड है, और इसी कंपनी में कमांडर पुर्नेंदु तिवारी जी को तो कतारी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर हाईएस्ट ओवरसीज इंडियन अवार्ड प्रवासी भारतीय भी मिल चुका था। और बाकी के 7 इंडियन ऑफिसर्स भी धरा ग्लोबल के टॉप एम्प्लॉयज थे जो कतर के ही नेवी सोल्जर्स को क्रूशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया से कतर आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कतर के लिए इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स होने के बावजूद भी कतर ने उन ऑफिसर्स को 1 साल तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट में रखा, और उसके बाद उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। अब देखो असल में उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया इस बारे में ना न्यूज मीडिया में 3 अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं, और तीनों भी एक दूसरे से काफी अलग है। पहला यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल द प्रिंट के मुताबिक वो 8 ऑफिसर्स कतर के सबमरीन प्रोग्राम को स्पाई कर रहे थे और इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। दूसरा रीजन पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थियरी बताई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से कुछ सोशल मीडिया आउटलेट्स का यह कहना है कि उन ऑफिसर्स को अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने कतरी गवर्नमेंट को टिप दिया था। एंड नाउ इस एलिगेशन के पीछे अगर आप कुछ डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो इस एलिगेशन में भी कुछ तो भी सब्सटेंस लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी के वर्डिक्ट के काफी पहले पाकिस्तान के टॉप न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 27 अप्रैल 2023 को ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि इंडियन ऑफिशियल्स को डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवे अब बढ़ते हैं तीसरे रीजन की ओर। सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से वो ऑफिसर्स इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ये ओपिनियन एक्चुअली में काफी पॉपुलर ओपिनियन भी है, सोशल मीडिया में खूब फैला हुआ है और काफी सारे लोग इस नैरेटिव में भी बिलीव करते हैं। पर असल में कतर गवर्नमेंट ने इंडियन ऑफिसर्स पर लगाए चार्जेस को लेकर कुछ भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये सारे के सारे जो एलिगेशंस है इसमें से कुछ भी अब तक ऑफिशियलाइज नहीं हुआ है, और इसीलिए इन 8 ऑफिसर्स के अरेस्ट को लेकर काफी एम्बिग्विटी यानी कि काफी सारा कंफ्यूजन है। लेकिन फ्रेंड्स यू नो व्हाट, अरेस्ट से भी फार ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है इनकी एक्चुअल स्टोरीज में। देखो ये तीनों भी रीजंस तो एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इन तीनों में कॉमन है एक काफी शेडी डील जो इटली और कतर गवर्नमेंट के बीच साइन हुई थी। इस डील के डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डील था और जिसके ही बीच हमारे जवान बलि का बकरा बन गए। सबसे पहले कतर के इन दोनों मैप्स को गौर से देखो।
ये पहला मैप कतर के ऑयल फील्ड्स का है, जिनमें दिख रहे ग्रीन पैचेस कतर के ऑयल फील्ड्स हैं, और इस दूसरे मैप में दिख रहा रेड पैच कतर का नेचुरल गैस डिपॉजिट है। अब ये ऑयल और नेचुरल गैस ही दरअसल कतरी इकोनॉमी के बैकबोन्स है, क्योंकि सिर्फ ऑयल से कतरी गवर्नमेंट का 70% रेवेन्यू आता है और कतर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। अब क्योंकि कतर इकोनॉमी के ये दोनों बैकबोन्स समुंदर में ही मौजूद है, इसीलिए कतर को अपने इकोनॉमिक नीड्स को सेफगार्ड करने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और एफिशिएंट नेवल फोर्स की जरूरत रहती है, जिसके लिए अक्सर कतरी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। अब जरा देखते हैं इस पूरे सीन में हमारे जवान कहां पर आते हैं। सो एक कतरी सिक्योरिटी कंसल्टेंसी एजेंसी है धरा ग्लोबल, जो कतरी नेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कंपनी के सीईओ, जैसे मैंने बताया, एक ओमानी नेशनल है जिनका नाम है खमीस अल आजमी, बट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णेंदु तिवारी जी थे, जो हमारे 8 फंसे हुए इंडियन नेवी ऑफिशियल्स में से एक है, और बाकी के 7 इंडियन ऑफिसर्स भी, जैसे मैंने बताया, कंपनी में प्रोमिनेंट पोजीशंस होल्ड करते थे। अब यहां पर याद रखना, मैं बात कर रहा हूं दहरा ग्लोबल नाम की कतर की कंपनी की। अब जो डील साइन होती है ना, उसमें गौर करना इस कंपनी का क्या रोल होता है, आप एक झटके में सारा स्कैम पकड़ लोगे। अब इसके बारे में मैं एक मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसे हाई प्रोफाइल स्कैम्स इंडिया में भी हुए जिसमें अक्सर न्याय भी मिला है। 1971 में जैसे फॉर एग्जांपल एसएसपी नाम के एक पार्टी के लीडर राज नारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस की जीत फरेब करके हासिल किए, और फिर इसके कुछ ही सालों बाद 1975 में आप खुद सोचो देश के पीएम, आर्ग्यूएबली वो टाइम के सबसे पावरफुल पीएम के ऊपर भी एक्शन लिया गया, उनकी गवर्नमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर। वेल, भारत के इतिहास में ऐसे कितने ही केसेस हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, लेकिन आज क्या हमें इसके बारे में सिखाया जाता है? स्कूल टेक्स्ट बुक से तो मुझे कभी भी ये सब सीखने नहीं मिला, और इसीलिए मैं अक्सर ऐसे टॉपिक्स पर डिटेल रिसर्च करने के लिए कुकू एफएम के ऑडियो बुक्स को सुन लेता हूं, क्योंकि ये मैं लिटरली कहीं भी सुन सकता हूं मल्टीटास्किंग करते वक्त, स्पेशली रात को सोने से पहले अनवाइंड करते वक्त। अगर आप भी कुकू एफएम पर ऐसी ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड आप इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी और अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ये दो बुक्स चेकआउट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी बुक सजेशंस डाल दिए हैं, लेकिन याद रखना ये किताबें कहानी बयां करती है, और इसीलिए पूरा सुनना, बस स्टार्ट करके छोड़ मत देना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके अगर आप मेरा कूपन कोड गौरव50 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 50% ऑफ, यानी सिर्फ 49 रुपीज में आपको पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। So take action and start investing within yourself. So मैं अब आपको उस कतर और इटालियन कंपनी के डील के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और आप मुझे बताना इसमें हमारे जवानों को बकरा कैसे बनाया गया। So हुआ कुछ ऐसा कि 2019 में दो इटालियन डिफेंस कंपनीज कैबी कैटानियो और M23 को कतर नेवी के लिए दो मिडजेट सबमरीन्स बनाने के लिए 190 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कतर के साइड से दो कतरी कंपनीज एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक प्राइवेट कतरी कंपनी अल शमाल 3 जो इस डील में ब्रोकर थी, और दूसरी ब्रेजन होल्डिंग्स जो गवर्नमेंट ओन्ड है। ब्रेजन होल्डिंग्स इस डील को गवर्नमेंट के तरफ से फाइनल करने वाली थी। इस पूरे डील में 3 लोग काफी इंपॉर्टेंट थे, अल नेमी, टॉफिक और अल अतिया, जिसमें कतर के डेप्यूटी पीएम और डिफेंस मिनिस्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ वो कतर की रॉयल फैमिली से भी है। सो नाउ, अब आपने नोटिस किया होगा इस पूरे डील में दहरा ग्लोबल का तो कहीं पर भी नाम नहीं है, एंड एक्चुअली में यही तो है सबसे वियर्ड रीजन। हमारे सोल्जर्स को इसमें जबरदस्ती बिना किसी सबूत के फंसाया गया, और वो इसीलिए क्योंकि उन सारे कतरी नेशनल्स को एक बड़े स्कैम को अंजाम देना था। ये डील वास्तविकता में कोई कतर गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए नहीं था, बल्कि इन तीनों लोगों के पर्सनल बेनिफिट के लिए था। तो देखो, ब्रेजन होल्डिंग के गवर्निंग बॉडी में अल नेमी चीफ एग्जीक्यूटिव है और टॉफिक ब्रेजन का लीगल हेड है। अब यही अल नेमी ब्रोकर कंपनी अल शमाल 3 के भी हेड है, और इटालियन कंपनी M23 में भी उन्होंने हेविली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सेम ब्रेजन होल्डिंग के लीगल हेड टॉफिक भी M23 की लीडरशिप में इन्वॉल्व है। मतलब इस गवर्नमेंट डील के होने से सबसे ज्यादा फायदा अल नेमी और टॉफिक को ही होने वाला था, क्योंकि यहां पर बायर भी वही और सेलर भी वही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ब्रेजन होल्डिंग के चेयरमैन अल अतिया जी हैं। इतना सब कुछ क्लियरली होते हुए देख उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और इसीलिए संडे गार्जियन के भी मुताबिक ये पूरी डील
एक बड़ा स्कैम है और इसीलिए ये बिल्कुल हो सकता है कि इस डील में कुछ बड़े नाम फंसने लगे हो और इसीलिए इटालियन कंपनीज और कतर रॉयल फैमिली के बीच के बिजनेस डील में इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को इजरायली स्पाई डिक्लेयर करके एज अ स्केपगोट यूज किया गया है, ताकि पूरा का पूरा अटेंशन डील में हो रहे करप्शन से हटकर एस्पियोनाज इंसिडेंट पर चला जाए। अब इस डेथ पेनल्टी पर इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पांस पर भी कई एक्सपर्ट्स काफी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कनाडा की तरह कतर को अब तक स्ट्रॉन्गली कंडेम क्यों नहीं किया गया है। इनफैक्ट जब अगस्त 2022 में इंडियन ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था, उसके दो महीने बाद हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर फीफा वर्ल्ड कप के लिए दोहा टूर पर थे। उन्होंने वहां के इंडियन डायस्पोरा से भी कॉन्वर्जेशंस किए थे, पर उस विजिट के दौरान नेवल ऑफिसर्स के अरेस्ट का कोई भी मेंशन तक नहीं किया गया। अब द हिंदू के मुताबिक एनएसए अजीत डोवाल जी ने इस केस के लिए कई बार कतर विजिट किया था, पर इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर नहीं आया। एक्चुअली में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के रियल स्टैंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑफिशियली तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और कई सीनियर ऑफिशियल्स ने इस डेथ पेनल्टी को लेकर चिंता जरूर जताई है और ऑफिसर्स को छुड़ाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बताई है, पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक ये सब सिर्फ स्टेटमेंट्स है, अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए गए और इसीलिए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के सॉफ्ट स्टैंड्स को लेकर दो ओपिनियंस है। एक ये कि हो सकता है कि सारे ऑफिसर्स ऑफिशियल कैपेसिटी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर किसी मिशन पर डिप्लॉयड थे, या दूसरा इसीलिए क्योंकि कतर इन हाई रैंकिंग इंडियन नेवी ऑफिसर्स के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन बन चुका है और वो भी काफी डिजायरेबल वाला। तो देखो बात कुछ ऐसी है ना, इंडियन नेवी अपने मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में इतनी एफिशिएंट हो चुकी है कि आज कई कंट्रीज इंडिया से ट्रेनिंग और असिस्टेंस लेती है, उसी में से एक है कतर। साल 2008 में इंडिया और कतर ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत इंडिया ने कतर को मैरीटाइम ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस और यहां तक कि थ्रेट होने पर अपने सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉय करने के लिए तक एग्री कर लिया था। इनफैक्ट ये पैक्ट आज तक कंटिन्यू हो रहा है और शायद इसी पैक्ट के तहत वो ऑफिसर्स वहां पर डिप्लॉय हुए होंगे जिन्हें कतर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, और इसीलिए इसके चांसेस हो सकते हैं कि वो ऑफिसर्स इंडिया के लिए इंटेल गैदरिंग कर रहे थे। ये कहना है रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का, जिन्होंने द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन ऑफिसर्स को मे बी इसी पैक्ट के अंदर भेजा गया हो और शायद इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह कर भी कतर पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रही है। पर इसी बात को डिनाई करते हुए एमईए स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची जी ने द प्रिंट को ये बताया कि वो ऑफिसर्स किसी भी एमओयू के तहत कतर नहीं गए थे और गवर्नमेंट के हिसाब से वो सारे एक्स नेवी ऑफिसर्स पर्सनल कैपेसिटी में ही वहां पर काम कर रहे थे। अब इस क्लेम पर हमने जब थोड़ी इंडिपेंडेंट रिसर्च की तो हमें एक वियर्ड सा पैटर्न नजर आया। सो बात कुछ ऐसी है ना कि इंडियन नेवी के कई सारे हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स अपने रिटायरमेंट के बाद या इवन वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर सीधे दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे थे। वेल, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिसर्स एक प्राइवेट कंपनी को मैस स्केल पे ज्वाइन कर रहे हो और इस बात की इंडियन गवर्नमेंट को खबर भी नहीं है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स को दो पॉसिबिलिटीज लग रही है कि एक, शायद वो 8 ऑफिसर्स इंडिया के लिए ही इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर रहे थे और दहरा ग्लोबल कंपनी इटसेल्फ शायद इंडिया के प्लान का हिस्सा हो सकती है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक्चुअली में जैसे कतरी न्यूज का कहना है वो ऑफिसर्स इजराइल के लिए ही स्पाई कर रहे थे। अब इन दोनों में से आपको कौन सी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लगती है नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताना। देखते हैं इस पे मोस्ट ऑफ दी लोगों का क्या ओपिनियन है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी रियलिटी है तो शायद इंडियन गवर्नमेंट बैक चैनल से स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन कर रही हो और इंडियन ऑफिसर्स को एक्सट्राडाइट करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सेंसिटिव इशू को गवर्नमेंट ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहेगी। पर जो भी हो, अब आगे उन ऑफिसर्स का क्या होगा ये है सबसे बड़ा सवाल। सो इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास केवल दो ऑप्शंस हैं। पहला, कतर में ही सुपीरियर कोर्ट्स में डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट अपील किया जाए। दरअसल कतर में भी हमारी तरह सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंसेस, कोर्ट ऑफ अपील्स और कोर्ट ऑफ कैसेशन होता है। और अगर यहां पर भी बात नहीं बनी तो कतर के एमिर यानी कि उनके राजा से पार्डन की अपील किया जा सकता है। लेकिन अगर एमिर डेथ पेनल्टी को लाइफ सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो भी इन नेवी ऑफिसर्स को एटलीस्ट 25 ईयर्स प्रिजन में बिताने ही होंगे, यानी कि कुल मिलाकर आगे कुआ और पीछे खाई ऐसी सिचुएशन है। और दूसरा ऑप्शन इनके पास है वो है कतर के जजमेंट के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में अपील करना। सेम वैसा ही अपील जैसे हमने 2018 में किया
किया था जब इंडियन नेवी के ही एक ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 2016 से पकड़ा हुआ था और उन पर भी एस्पियोनाज चार्जेस की वजह से डेथ पेनल्टी की सजा लगाई गई थी। लेकिन 2018 में ICJ ने कुलभूषण जाधव के फांसी की सजा पर रोक लगा दी, बट आज के तारीख में भी वो पाकिस्तान की जेल में ही बंद है और कोई नहीं जानता कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तो पाकिस्तान के जेल में बंद इंडियन ऑफिसर के फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कतर जैसी एक फ्रेंडली नेशन में 8 नेवी ऑफिसर्स का फ्यूचर क्या होगा, इसे भी लेकर भारी कंफ्यूजन है। कोई नहीं जानता कि क्या होगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में लिखना। एंड ये कोई इकलौता स्कैम नहीं है जो दुनिया में हो रहा है। आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की GDP असल में फेक है। जितना चाइना बताता है पूरा का पूरा इन्फ्लेटेड है, और असल GDP के बारे में सुनकर आप शॉक रह जाओगे। और ये चाइनीज ऑफिशियल अथॉरिटीज ने बयां किया है कि किस तरीके से चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट उनके प्रोविंसेस को लिटरली इंसेंटिवाइज करती है अपने फिगर्स को इन्फ्लेट करने के लिए। अब ये पूरा मामला क्या है, बहुत ही शॉकिंग और रिवीलिंग है, लेकिन ऑलरेडी मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना लिया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले द केसेस दैट इंडिया फॉरगेट जैसी और भी हिस्टोरिक बुक से अपने बिजी स्केड्यूल में भी नॉलेज लेना मत भूलना। आप मल्टीटास्किंग करते वक्त भी कुकू FM सुनकर अपने नॉलेज का कोटा पूरा कर सकते हो। मेरा कूपन कोड गौरव50 है फॉर 50% ऑफ एक महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ ₹49। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।